ललित चंद ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज बात करेंगे साइकिल के बारे में। देखो साइकिल तो आप सबने चलाई होगी, ठीक है, शुरुआत सब लोग साइकिल से ही करते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर साइकिल आपकी पंचर हो गई और आपको पंचर वाला ना मिले तो क्या हो? आपको खुद भी नहीं आता पंचर बनाना और साइकिल आपके पास पड़ी है तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों क्या करेंगे, आप अगले दिन जाएंगे, उसके अगले दिन जाएंगे, और सोचिए कि ऐसा करते करते एक महीना गुजर गया, दो महीना गुजर गया, छः महीना हो गया, आपको कोई पंचर वाला मिले ही ना, तो ये होता है। मैं बताता हूँ क्या, ये साइकिल है दोस्तों। मैं यूरोप में हूँ, हंगरी, और मेरी कंपनी से मुझे मौका मिला यहाँ आने का। मैं अपनी कंपनी का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो कंपनी ने एक साइकिल प्रोवाइड करी हमें, हमारे गेस्ट हाउस में और हंगरी में, बुडापेस्ट। और ये पंचर हो गई दोस्तों, कुछ भी हवा नहीं, ठीक है। ये पंचर कब से पड़ी है? 6 महीने हो गए इसको पंचर। पंचर बना बना पंचर वाले को ढूंढ ढूंढ के मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरे साथी हो गई भी, लेकिन पंचर वाला इस देश में मिला नहीं। तो वो किट आती है पंचर की, वही बोलते हैं कि इसको बनाओ, वैसे ही होगा। तो दोस्तों ये हालत है यहाँ पर। कंट्रोल ऐसा है यहाँ पर। तो ये बड़ा मेरे को आश्चर्यजनक, ऐसा हमारा इंडिया बढ़िया है। देखिए साइकिल है, कुछ भी है, कोई भी दिक्कत आती है तुरंत जाइए पंचर बनवा लीजिए, चाहे बाइक का है, चाहे कार का है, चाहे आपकी साइकिल है, कुछ भी है। बट यहाँ पर क्या है दोस्तों, काम करने वालों की भारी कमी। मतलब यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें ऑटोमेटिक है। आप कार वॉश में चले जाइए, आप वहाँ पर कोई सफाई कार साफ करने वाला बंदा नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पर मशीन लगी है, आपको खुद ही साफ करनी है, पैसे भी देने हैं और गाड़ी भी खुद ही साफ करनी है। आपको पानी देंगे और जेट देंगे, व्यवस्था आपको दे देंगे, आपको आदमी नहीं है यहाँ पे काम करने, काम आपको खुद ही करना है। और आपको बाल कटवाने हैं, तो बाल कटवाने के लिए आपको जाना है तो आपको पहले जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट आपको भले ही 1 हफ्ते की मिले, 10 दिन की मिले, और उस तारीख को फिर आपको आना है, उस टाइम पे तो आपके बाल कटेंगे। और सपोज़ आपने अपॉइंटमेंट ली और आप नहीं आए, या आप लेट आए और नहीं आए, तो फिर वो दोबारा आपके बाल काटेगा नहीं, ये भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगी। आप बैंक जाना, आपको बैंक में काम है तो पहले आपको या तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लो या फिर जा करके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जा करके अपना काम। डॉक्टर है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, मिलना है, दिखवाना है आपको। बल्कि इमरजेंसी अगर हो गई तो कहीं कहीं तो इमरजेंसी होने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी कि अब कैसे, अगर मान लो अभी आपको जाना है तो कैसे होगा। तो काफ़ी कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ मैक्सिमम क्या होता है कि सब काम क्या ज़्यादातर खुद ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ के लोगों को पर्सनली काफ़ी कुछ नॉलेज होता है, जैसे थोड़ा बहुत वो कार बना लेते हैं, रिपेयरिंग खुद ही कर लेते हैं, खोल खाल के अपने अपने सबके घर में छोटे छोटे गैराज होते हैं। और ये साइकिल भी ये लोग खुद ही बना लेते हैं, लेकिन हमारी ऐसी पड़ी हुई है, बताओ क्या करूँ मैं। कंट्रोल। तो दोस्तों ये कुछ थोड़ी सी जानकारी थी, कंट्रोल सोचा विदेश में, यूरोप में ऐसा ऐसा होता है, सोचा आपको बताऊं। तो दोस्तों अगर आप, मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं अभी नया यूट्यूबर हूँ और आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। आप नहीं समझते, आप मेरे लिए सेलिब्रिटी हो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप कुछ जानते हैं कि इसको मैं कैसे बनाऊँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।